हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। कौन? मैं आपका भाई बात कर रहा हूँ, सुनील यादव, एसके यादव। एक्चुअली मेरा कोई भाई इंदौर में है, इंदौर में भी हम सब आपके साथ हैं, आप निश्चिंत रहिए, मेरी संस्थाएं आपके तो पास आप लोग पहुंच मुझे बचा क्यों नहीं रहे हैं सर? मैं आपके कल पास से पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं मैम, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या अच्छा थी, यहाँ तक कि जो आपके यहाँ डॉक्टर साहब आते हैं ना बच्चे, उनका बच्चों का इलाज करने के लिए, हाँ जी उनसे हाँ मैंने जी अभी बात करके और जस्ट आपकी लोकेशन प्राप्त करी ही है। हाँ। तो फिर आप बताओ ना सर मुझे, ये क्या मेरे कुत्तों को उठाने की धमकियां दे रहे हैं, आतंकवादी बुला रहे हैं मुझे? आप निश्चिंत रहिए मैम, ना ही आपको कोई आतंकवादी सिद्ध कर सकता है, ठीक है, ना ही आपके बच्चों को हाथ लगा सकता है। इसके पीछे की जो सारी कहानी है वो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है मैम। मुझे सिर्फ आपसे चंद दो सब पूछने हैं, अगर दो चार बातों का आप आप मुझे जवाब सर दे दो सकते नहीं, जो पूछना है पूछिए। आप कल से मेरे घर पर लोग आ रहे हैं और आते हैं, मैं बाहर निकलती हूँ, मैं ये नहीं पूछती आप कौन हो। जो पूछते हैं बता देती हूँ, इस उम्मीद में कि मेरे बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, आप मेरी छोटी बहन की तरह हो, ठीक है। अभी आप सर जो आते हैं वो यही बोलते हैं, वीडियो बनाते कोशिश हैं और चले नहीं जाते नहीं हैं, नहीं मुझे कोई नहीं, हेल्प नहीं मिली है। नहीं कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी लोग आपके पास आते हैं सबसे पहले आप उनकी आईडी चेक कीजिएगा, मेरा आपसे निवेदन है नहीं सर, पहली चीज। सर मैं बहुत ही ज्यादा बुरे कंडीशन में हूँ, मेरे 40 बच्चों की लाइफ अंडर थ्रेट है। मैं इस समय कुछ भी चेक करने की कंडीशन में नहीं हूँ। ये बच्चे मेनका गांधी के लिए पॉलिटिक्स हैं और डोनेशन है। बिल्कुल तिलक नगर पुलिस रेपुटेशन बचा रही है, मैं तो इनकी माँ हूँ, मेरे को तो अपने बच्चे बचाने हैं। बिल्कुल जायज बात है मैम। मुझे सिर्फ मैम आपसे एक ही सवाल पूछना है कि नोएडा में आपने मेनका गांधी के जो संस्था चल रही है इसके खिलाफ आपने ऐसा जी क्या पाया था जिसके वजह से ये लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं आज तक? मैंने इनके बहुत सारे फेक डोनेशन पोस्ट डिस्क्लोज किए थे, जिस डेजी खान नाम की अकाउंट बात कर रहे हैं कि ये लड़की अलग अलग नाम यूज करती है। एक्चुअली मैं अलग अलग नाम यूज नहीं करती हूँ। जैसे ही मेनका गांधी को पता चलता है कि मैं इस घर में रहती हूँ, मेरे कुत्ते यहाँ रहते हैं, ये कुत्तों का धंधा करने वाली जो औरत है उनके नाम पे जो अय्याशी कर रही है, ये ऐसे ही मुझे स्टॉक करती है और ऐसे ही मेरा जीना हराम कर देती है और ऐसे ही मेरे बच्चों की जो लाइफ है वो अंडर थ्रेट आ जाती है। तो मैं अपने नाम से अगर फेसबुक पे कुछ भी पोस्ट करती तो ये मेरे घर पहुंच जाते, इसलिए कि वो कुत्ते बच जाएं, इसीलिए मैंने डेजी खान नाम से एक अकाउंट बनाया और उसमें वायरल कर दिया कि मेनका गांधी मैडम की टीम ऐसा ऐसा कर रही है, कुत्तों के नाम पे धंधे चल रहे हैं। बिल्कुल मैम, ये चीज मैं आपके अकाउंट से देखने के बाद मेरा इस मैटर को लीगल समझ नाम चुका था। साक्षी शर्मा ही है, मैंने इसको लीगली चेंज किया है। 21/11/2019 के अग्निबाण में ये छपा है। उससे कोई दिक्कत नहीं है मैम। देखिए मैं एक चीज मानता हूँ, ठीक है, मैं भी एक हिंदू हूँ, ठीक है, अगर आप मेरे धर्म में आए हैं, ठीक है, मैं आपका बिल्कुल हाथ बिछा कर स्वागत करता हूँ, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अभी तक इसमें कोई मेरी बुराई पूरी नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी मुझे काटने दौड़ी, मारने दौड़ी, बोला मुझे तू कुत्तों के साथ सोती है। मैं आपके सनातन धर्म को इसलिए मैंने अपनाया कि इसके बाद जितने भी हिंदू हैं वो सब मुझे अपना लेंगे और मेरी लाइफ शांत हो जाएगी, मेरी लाइफ में विध्वंस मच गया। उन सभी लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, अगर किसी भी हिंदू धर्म के भाई ने अगर ऐसी बात आपसे कही हो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। और रही बात हमारे मुस्लिम धर्म के भाइयों की, सिर्फ क्या है मैम, देखिए जो आज के समय में जो इसका कास्टिज्म का जो चेहरा मंगाया हुआ है ना, गवर्नमेंट ने जो बनाया हुआ है उसकी वजह से उन्होंने वो दो शब्द कह दिए होंगे आपसे, लेकिन आज भी आप उनकी बेटी हैं, आज भी आप उनके ही परिवार के सदस्य हैं। मेरी जो कम्युनिटी है वो मुझे भी खाने दौड़ती थी, नहीं, अब बाकी नहीं होगा, जानवरों को भी खा जाती थी और कुत्तों को भी खाने दौड़ती थी। अब मैंने ऐसा नहीं बहुत होगा, लड़ा है उनको छोड़ने के लिए। नहीं अब आप ऐसा लोगों के कुछ पास नहीं होगा। इसलिए आई हूँ कि मैंने सोचा कि आप लोग औरतों की बड़ी इज्जत करते हो और जानवरों की भी बड़ी इज्जत करते हो। बिल्कुल मैम, और सबसे बड़ी चीज है कि आपको जो प्रोटेक्शन वाली बात थी, ठीक है, वो प्रोटेक्शन आपको क्यों नहीं दिया जा रहा, मैं उसका कारण स्पष्ट कर देता हूँ। क्योंकि आपने ये जो खुलासे किए हैं मेनका गांधी के, जो ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ठीक है, और वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से संलग्न है, ठीक है, इसलिए आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हमें चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़े, आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। मैंने अभी तो सच बोला है, बिल्कुल मैंने तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अभी आपके पास 1 से 2 घंटे के अंदर हमारे एक मीडियाकर्मी पहुंच रहे हैं सिटीजन न्यूज से, ठीक है जी, सिटीजन न्यूज, वो पहले पहले ही आपसे कहेंगे। और दूसरी बात ये भी कहेंगे, यादव सर ने हमें भेजा है, ठीक है, आप उनको दिल खोल के अपना बयान दीजिएगा कंप्लीट,
ठीक है जी, निश्चिंत रहिएगा। और एक चीज और, मैं उनके हाथों एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, सिर्फ वो आपको साइन करना है, ठीक है जी। हम आपकी इसके लिए एप्लीकेशन लगा देते हैं हाईकोर्ट में, ठीक है। हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। मुझे अपनी प्रोटेक्शन की चिंता नहीं है मैम, ये मेरा गांधी है ना, हमें आपकी लाखों रुपए खा रही है सर कुत्तों के नाम पे। हमें आपके और इन बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता है, और विश्वास रखिए आप जिस भाई से बात कर रहे हैं उस भाई के साथ देश भर की कम से कम ये तो 12,000 से ज्यादा संस्थाएं हैं, और सभी सामाजिक संस्थाओं को मैंने स्पेशली इनवाइट किया है कि वो इस मुद्दे पर अपनी अपनी कंप्लेन लिखकर आगे फॉरवर्ड करवा रहे हैं मैम। हम लोग इस पर बिल्कुल प्रयासरत हैं, आज सुबह ही हमें इस मैटर के बारे में पता लगा था। मेरे बच्चों को आप बचा लो, आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, आप सिर्फ अपने भाई का विश्वास रखिए, ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा। और ये जितने भी लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं सबकी नौकरियां जाएंगी, आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल। सिर्फ थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज, ठीक है। आपके पास अभी सिटीजन न्यूज के नाम से आएंगे सर, और वो आपको जो है पहला रेफरेंस यही देंगे कि हमें यादव जी ने भेजा है, ठीक है। आप समझ जाइएगा कि आपके भाई ने भेजा उनको, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम, और मुझे आपसे जब भी जरूरत होगी मैं एक बार आपको फोन लगा लूंगा, प्लीज आप मेरा फोन पिक कर लीजिए, नंबर सेव कर लीजिए। सर एक्चुअली मेरे पास बैक टू बैक कॉल्स भी आ रहे हैं, हाँ हाँ, और लोग भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं लगातार फोन पे हूँ, लगातार लोगों से भी फोन लीजिए, आप सबके फोन लीजिए, आप मुझे कोई भी एक टाइम बता दीजिए, मैं पूरे दिन का जो भी डिस्कशन होगा आपसे उस समय कर लूंगा, आप मुझे कोई भी समय दें। मैं आपका नंबर सेव कर लेती हूँ, अगर मैं आपका कॉल देखूंगी नहीं भी उठा पाऊंगी तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगी। और ध्यान रखिएगा, एक मेरा आपसे निवेदन है एक छोटी बहन होने के नाते, ठीक है, मैं सेफ नहीं हूँ यहाँ, प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, पुलिस मुझे आतंकवादी डिक्लेयर करके जेल में डाल दे, कोई भरोसा नहीं। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सामाजिक संस्थाओं ने मुहिम उठा दी है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस चीज से। दूसरी चीज मेरी आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है मैम, प्लीज एक भाई होने के नाते सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इस समय आप अनऑथेंटिक पर्सन को अपने पास घुसने मत दीजिएगा, एक भाई का निवेदन है, हाथ ऑथेंटिक अनऑथेंटिक कहाँ पता चला? ऑथेंटिक का मतलब मैम देखिए, आप सिर्फ उनके जैसे आप गेट के बाहर खड़े हैं ना वो, ठीक है, पहले आप अपने एक फोन से फोटो ले लीजिए, आप कोशिश कीजिए कि हर एक फोटो आप मुझे व्हाट्सअप करते रहिए, गेट खोलने से पहले सामने वाले की फोटो विद आई कार्ड आप व्हाट्सअप कर दीजिए, उससे कहिए भैया अपना आई कार्ड अपने चेहरे के पास लेके आए, ठीक है, उसके चेहरे के पास जैसे वो अपना आई कार्ड लेके आता है आप सिर्फ एक फोटो क्लिक कीजिए मुझे भेजिए, उसके बाद गेट खोलिएगा प्लीज, एक भाई होने के नाते। ठीक है, मैं करती हूँ, ठीक है, हमें आपकी सुरक्षा की सबसे पहले हमें जिम्मेवारी लेनी है मैम, तब हम दूसरों सुरक्षा करवा पाएंगे आपकी, और ये पूरा तंत्र बिका हुआ है, आप समझ सकते हैं। ठीक है सर, मैं करती हूँ, ठीक है, और मुझे आप भाई कह के बोले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका भाई हूँ, और आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, और आपकी भाभी भी अब होने वाली सिविल जज है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है, कानून का हम भरपूर अपने हिसाब से हम उपयोग करेंगे, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए जी, ठीक है बहन, है ना, ठीक है।